नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े रहस्यों पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपिन मिश्रा ने शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी महत्वपूर्ण 33 फाइलों का पहला सेट आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को सौंप दिया है, ताकि इसके संरक्षण और इसके डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और कुल 58 फाइलें सार्वजनिक की जा सकें। इससे नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी 2016 से नेताजी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के सार्वजनिक होने की दिशा में एक और अहम कदम उठा लिया गया है। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंद फौज, देशभक्ति, दीवानगी, इन सारे शब्दों को पूरा करता है एक नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर देने वाले भारत माता के इस सपूत पर कई किंवदंतियां भी हैं और इनके निधन से जुड़े तो न जाने कितने किस्से हैं। हाल हाल तक कभी गुमनामी बाबा के रूप में तो कहीं किसी पुजारी के रूप में नेताजी को देश के विभिन्न हिस्सों में देखे जाने के दावे किए जाते रहे, लेकिन कोई इसकी पुष्टि नहीं कर पाया। लेकिन अब नेताजी से जुड़ी सूचनाएं जनता तक पहुंचने ही वाली हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी महत्वपूर्ण 33 फाइलों का पहला सेट आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को सौंप दिया है, ताकि इसके संरक्षण और इसके डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और पीएमओ के पास मौजूद कुल 58 फाइलें सार्वजनिक की जा सके। इससे नेताजी के जयंती यानी 23 जनवरी 2016 से नेताजी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के सार्वजनिक होने की दिशा में एक और अहम कदम उठा लिया गया है। गौरतलब है कि नेताजी के परिजनों ने प्रधानमंत्री मोदी से पिछले 14 अक्टूबर को मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी के परिजनों को भरोसा दिलाया था कि उनकी भावनाओं से खुद प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पूरी तरह सहमत है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि जो लोग अपने ही इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बना पाते और इसलिए नेताजी से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भारत के लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि नेताजी के जीवन से जुड़ी 134 महत्वपूर्ण फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी। गौरतलब है कि नेताजी से जुड़ी 12 फाइलें गृह मंत्रालय के पास हैं, जिनमें से 3 वर्गीकृत हैं और 9 अवर्गीकृत। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय के पास 58 फाइलें हैं, जिनमें से 41 वर्गीकृत और 17 फाइलें अवर्गीकृत हैं। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी अपने अधीन गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए अपने मंत्रालय के स्तर पर कार्यवाही कर रहे हैं। नेताजी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देश की जनता के सामने लाने के लिए रक्षा मंत्रालय के पास मौजूद कुल 900 फाइलें पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी हैं और उनको राष्ट्रीय अभिलेखागार भेजा जा चुका है। इन प्रयासों से लगता है कि जनता के पास जल्दी ही देश के इस सपूत से जुड़ी अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच पाएंगी। शायद अब नेताजी से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठ जाए और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक, आप तक पहुंच पाए। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़।